हेयर ट्रांसप्लांट कराना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसे कराना कितना आसान है वो आप आगे देखने वाले हो गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं आरिफ खान। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता है कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक भोपाल से कराया था, और मेरी वीडियो देखकर अपने मेरे रिजल्ट से इंस्पायर्ड हुए हैं जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए हैदराबाद से भोपाल आए हैं। तो आज हम जानेंगे फिरोज भाई, जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट अभी जस्ट ही कराया है, उनसे ये पूछेंगे कि उन्होंने ये क्लिनिक ही क्यों चॉइस किया है। तो फिरोज भाई बताइए, आपने क्यों चॉइस किया इसी क्लिनिक को? फर्स्ट ऑफ ऑल बिग थैंक्स टू आरिफ भाई। मैं 6 महीने से इनका वीडियोस फॉलो कर रहा हूँ। इससे पहले बहुत सारी वीडियोस फॉलो किया था, मगर जो इनका ट्रीटमेंट हुआ, पूरा रिजल्ट रखे थे, उनका हेयर और मेरा हेयर दो बॉलनेस एक ही स्टेज में दिखा था, उसीलिए मैं इनको अप्रोच किया था। अभी और कुछ आपको जो ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थी, वो कितने ग्राफ्ट आपको लगाएगा यहाँ? पहले डॉक्टर ने बोला था 1500 to 2000 ग्राफ्ट लगेंगे। उसके बाद में डॉक्टर ने इम्प्लांट किया था, जब उन्होंने बोले थे कि 1500 इज इनफ फॉर ए गुड हेयर ट्रांसप्लांट, इसलिए उन्होंने 1500 ही सजेस्ट किया था। उसके हिसाब से मैं ट्रांसप्लांट किया था। मैं छः महीने से मैं आरिफ भाई को वीडियोस फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद पास्ट 2 महीने से ज़रा व्हाट्सएप में टच में आना शुरू किया। उसके बाद ज़रा टाइम देख लेके 2 दिन पहले ही इधर आना पड़ा था हैदराबाद से। उसके बाद हैदराबाद से आने के बाद आरिफ भाई ने गाइडेंस दिया था कहाँ पर होटल स्टे रहना कहाँ। उसके बाद मैंने क्लिनिक को आया था। क्लिनिक के आने के बाद ये लोग मेरे कहने से ब्लड सैंपल्स लिए थे। इवनिंग तक ब्लड सैंपल्स का रिजल्ट आ गया, नॉर्मल दिखाया था। उसके बाद नेक्स्ट डे ही मैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन फिनिश हो गया। सुबह 9 बजे शुरू करे थे, उसके बाद में बीच में 2 घंटे का ब्रेक, 3 बजे तक फिनिश हो गया हेयर ट्रांसप्लांटेशन। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम आया हुआ, जैसे कि आपने पहले वीडियो देखा होगा कि एक पेशेंट की डेथ हो गई है हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर, तो ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम आई? मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसा कुछ फील तो नहीं हो रहा? ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, नहीं हो रहा है। मेरे को तो सब जेन्युइन लगे, इधर फ्रेंडली एनवायरनमेंट है भोपाल। और ये डॉक्टर ने अंकित कुमार डॉक्टर का नाम है, मुझे हेयर क्लिनिक का नाम भी उतना नहीं पता, क्योंकि आरिफ भाई का ट्रस्टेड पे आ गया था, स्टे कर दिया था, रिजल्ट दिया गया था। उसके बाद 2 दिन में ट्रांसप्लांटेशन फिनिश हो गया। अभी मैं टिकट बुक कर रहा था हैदराबाद के लिए। तो हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक के स्टाफ का नेचर कैसा लगा आपको? बहुत फ्रेंडली लगा था, कुछ नेगेटिव तो नहीं लगा था, बहुत फ्रेंडली लगा था। लगभग 8-10 स्टाफ थे जी, सब कुछ फ्रेंडली लगा था। अभी आपको कितना टाइम हुआ है ट्रांसप्लांट के? ट्रांसप्लांट होके 2 घंटे दो घंटे हो चुके हैं, सिर्फ 2 घंटे। इसके बाद डॉक्टर ने आपसे कुछ बोला होगा, वो मेडिसिन वगैरह? डॉक्टर ने मेडिसिन फॉलो करने का हम जरा दिए थे फॉलो करना बोल के, वो मेडिसिन इधर ही मिला था अभी। उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि कैसे लेना मेडिसिन, बिफोर लंच, आफ्टर लंच और डिनर के टाइम पर सब गाइडेंस दिया था, बस वही फॉलो करने के। तो गाइस ये देखा आपने वीडियो, फिरोज भाई हैं जो कि आंध्र प्रदेश से यहाँ भोपाल हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए आए थे अपना, वो भी मेरे होकर, और इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। तो आप लोग भी अपनी वीडियो को देखकर, और इनका आगे रिजल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसे देखकर आपकी यदि हेयरफॉल की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो देखा गाइस, फिरोज ने हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान जो भी एक्सपीरियंस था हम लोगों के साथ शेयर किया। अब आगे हम ये देखेंगे कि उनको किस तरह का बोल्डनेस था, इनको कितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थी। गाइस इनके हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की मेरे पास कुछ फोटोज हैं, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की फोटो भी मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। हम लोग देखेंगे इनके बालों की कंडीशन क्या थी, इनको किस तरह का बोल्डनेस था। तो ये है इनके हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की कंडीशन, बिल्कुल मेरे हेयर ट्रांसप्लांट जैसा लुक इनको चाहिए था, क्योंकि किसी भी तरह का बोल्डनेस इनको नहीं था गाइस। बस फ्रंट हेयरलाइन इनको डिज़ाइन करानी थी। एज की अगर हम बात करें तो 24 ईयर इनकी एज थी, सिर्फ 1500 ग्राफ्ट की इन्हें रिक्वायरमेंट थी। डोनर एरिया भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, हेयरफॉल जैसे इन्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। इनके बाल काफ़ी ज़्यादा थिक थे गाइस, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इनका डोनर एरिया किस तरह से था। इनके जो डोनर एरिया से ग्राफ्ट निकाले गए, वो 1500 ग्राफ्ट निकाल कर इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इनके हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की ओर। तो ये है इनके हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की इमेज, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इनकी डेंसिटी FUV टेक्निक से इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया गया, इन काफ़ी अच्छे तरीके से इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया गया।
बाल इनके ट्रिम नहीं किए गए थे गाइस, क्योंकि इनके फिरोज को मोस्ट ऑफ टाइम घर से बाहर रहना पड़ता था, तो उस वजह से बाल इन्होंने कट नहीं कराया था। जैसे ही रिजल्ट आएगा तभी अपने बालों को बराबर कट करा लेंगे, पूरा कवर करना चाहते थे। फाइनली इन्होंने भोपाल आकर अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया और एक दिन में इनकी पूरी सर्जरी कर दी गई है। देखा गाइस, फिरोज ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया और हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान जो भी इनका एक्सपीरियंस है उन्होंने हमारे साथ शेयर भी किया। गाइस अब इनका रिजल्ट जैसे ही आना स्टार्ट होगा, मंथ वाइज रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। गाइस इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, स्क्रीन पर मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।